सर, दिनांक 8 तारीख को दोपहर के आसपास संदीप करड़े इनके गाड़ी चोरी गई थी, स्प्लेंडर गाड़ी। उन्होंने एफआईआर दाखिल किए, हमने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करना चालू किए। हमारे डीबी पतक के पीएसआई देशमुख साहब, हेड कांस्टेबल राजेश, राहुल कांस्टेबल मिलिंद, प्रशांत, विपिन और मुड़े, इन्होंने अपना अथक परिश्रम किए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, अपनी और जो गोपनीय इंफॉर्मेशन बताने वाले उनसे जानकारी किए। उस हिसाब से फिर उन्होंने उस एंगल में जाके तपास करके एक लड़के को कस्टडी में लिए। फिर उससे हमने वो स्प्लेंडर गाड़ी रिकवर किए। वो लड़का अल्पावीन था, विधि संघर्ष ग्रस्त था। फिर उससे हमने और हमारे थाने में और 3 मोटरसाइकिलें चोरी की भी एफआईआर थी, उसके बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने वो तीनों गाड़ी एक्स्ट्रा की जी, तो वो कबूल किया। वो तीनों गाड़ी हमने रिकवर किए। ऐसी 4 गाड़ी हमारे डीबी पथक ने उसे रिकवर किया। वो लड़का पढ़ाई करता था, लेकिन कुछ गलत संगत के बोलों की वजह से या कुछ और शौक करने की वजह से वो इस काम में गया है। हमें समुपदेशन किया है उस एंगल से, और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई वो चालू है। वो क्लास में पढ़ता, 9वीं क्लास में हो, और पूरी गाड़ी, टोटल 4 गाड़ी, 4 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किए। उसने स्प्लेंडर गाड़ी अपनी ओरिजिनल कलर में है, बाकी सीडी डाउन और जो सीडी 100 गाड़ी, उसने उसको पूरी काला पेंट मार के छुपा दिया था, मतलब किसी को पहचान में नहीं आ करे। फिर भी हमारी टीम ने अपना योगदान देके और अपना परिश्रम देके सब गाड़ियाँ रिकवर की है।